नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं ऋषिकेश बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो कि ऋषिकेश में काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग यहां पर अक्सर घूमने आते हैं। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया है, लेकिन दिन में आजकल ऋषिकेश में धूप ठीक ठाक आ रही है, गंगा जी का जलस्तर काफ़ी कम हो रखा है, तो लोग यहाँ पर वीकेंड्स में अक्सर घूमने आते हैं क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी ऋषिकेश में अभी नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की धूप आती है और सुबह शाम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ये आप लोग देख रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे से रामझूला की तरफ जाने वाला ये पतला सा रास्ता। टू व्हीलर हालांकि अभी रामझूला में बंद हो रखा है क्योंकि 2013 में जो भीषण आपदा आई थी, गंगा जी का जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया था, उसके कारण टू व्हीलर्स यहां पर अलाउड नहीं है, केवल पैदल यात्री ही यहां पर चलते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं रामझूला जो कि ऋषिकेश का काफ़ी प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों मेन रोड बद्रीनाथ हाईवे से आप लोग लगभग 400-500 मीटर की पैदल यात्रा करके रामझूला के पास पहुंच सकते हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं रामझूला का यह सुंदर दृश्य है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं आई लव रामझूला का एक बड़ा सा सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है और सामने आप लोग देख रहे हैं कुछ राफ्टिंग और ये सुंदर सा शिवानंद घाट। और चलते हैं रामझूला के पास और दिखाते हैं आप लोगों को कितनी भीड़ वहाँ पर अभी हो रखी है। चारों तरफ दुकानें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, मूर्तियों की, कपड़ों की और खाने पीने की आपको खूब सारी दुकानें यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं आप लोग रामझूला का एंट्री गेट जो कि शिवानंद आश्रम की तरफ से है और इसको पार करके आप लोग स्वर्गाश्रम की तरफ जा सकते हैं जहां पर आपको काफ़ी सारे आश्रम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलते हैं भीतर और दिखाते हैं कितनी भीड़ हो रखी है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि रामझूला उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध स्थल है। ये गंगा नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि पास में ही एक अन्य प्रसिद्ध पुल लक्ष्मण झूला के जैसा है। रामझूला का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में महान पुरुषों की गिनती में आते हैं। ये पुल लगभग 450 फीट लंबा है और दो महत्वपूर्ण आश्रमों स्वर्गाश्रम क्षेत्र और शिवानंद आश्रम को आपस में जोड़ता है। आप लोग देख सकते हैं पुल के आसपास सुंदर सा दृश्य गंगा जी का दिखाई देता है, नीचे काफ़ी सारी राफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और सामने काफ़ी सारे आश्रम और सुंदर दृश्य पहाड़ों की चोटियां आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी जो कि मन को काफ़ी शांत रखती है। दोस्तों रामझूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज है। ये इस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित स्थल और एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। इस पुल का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास काल के दौरान इसी स्थान पर नदी पार की थी। 1980 के दशक में बना रामझूला लगभग 450 फीट लंबा है और मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। ये क्षेत्र अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई ऋषियों और संतों ने गंगा नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्र में ध्यान किया है। दोस्तों रामझूला के पुल पार परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और आश्रम के ठीक सामने गंगा जी के किनारे परमार्थ घाट भी है जहां पर कि प्रतिदिन भव्य रूप से आरती का आयोजन किया जाता है। ऋषिकेश में गंगा आरती एक मनमोहक अनुष्ठान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में हर शाम होता है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट की आरती सबसे प्रसिद्ध आरती है। आप लोग जब भी ऋषिकेश आते हैं तो परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट की आरती में जरूर शामिल होना। दोस्तों ये अलग ही अनुभव होता है, हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी और श्रद्धालु आते हैं जो कि गंगा आरती में शामिल होने आते हैं। आप लोग जब भी ऋषिकेश में आते हैं तो लक्ष्मण झूला, राम झूला,
जानकी सेतु और त्रिवेणी घाट जो कि प्रमुख स्थान है, यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। आप लोग अगर इन पवित्र स्थलों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटक स्थल की वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।